हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज का हम लोग का वर्ड मीनिंग है इम्पेसिवली, रिलेक्टेंटली, विदाउट माइंड्स, हाफ हार्टेडली। इन सभी का अर्थ होता है बेमन से, आधे मन से, अइच्छा से। तो चलिए देखते हैं कैसा वाक होगा, किस सिचुएशन पर वाक होगा और उस वाक को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ वह बेमन से पढ़ा रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही इज़ टीचिंग विदाउट माइंड्स। जैसे अगला वाक्य है, मैं कह रहा हूँ वह बेमन से काम कर रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही इज वर्किंग हाफ हार्टेडली। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम बेमन से पढ़ रहे हो, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू आर रीडिंग इम्पेसिवली। जैसे कोई खाना बना रहा है, तो मैं उसे कह रहा हूँ वह बेमन से खाना बना रही है, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सी इज कुकिंग रिलेक्टेंटली। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप बेमन से दौड़ रहे हो, तो हम इसे वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू आर रनिंग हार्टेडली। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप भी इस तरह से वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इन सभी वर्ड मीनिंग का प्रयोग करके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आए, तो इस लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग वर्ड मीनिंग और इंग्लिश को पढ़ते सीखते इस चैनल पर।